शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। केसरिया वालों आओ हमारे देश। चीची, चीची, क्या हुआ? आप थारे को आठे क्यों लेकर आ गए? क्योंकि मैं ना चाहूँ कि बापू थारे को आठे देखकर अपना आपा खो बैठे। रसाल, तू क्यों हमारे वास्ते अपने और ठाकुर साहब के बीच गलत फहमी पैदा करना चाहे है? तूने फिर से ठाकुर साहब को कोई ना कोई बहाना बना दिया होगा, जिसका पता लगते ही ठाकुर साहब थारे से नाराज हो जावेंगे। जी जी, मैं ठाकुर साहब ने बोल के आई हूँ कि मैं अपने परिवार से मिलने जा रही हूँ। इसके अलावा मैंने उनसे कुछ ना कहा है, पर फिर उन्होंने खुद मारे को इजाजत दी है ठहराने की। जी जी, ठाकुर साहब जितने अच्छे हैं उनका दिल भी उतना ही बड़ा है। वो सब तो ठीक है रसल, पर ये महकी महकी बातें कर रही है। जी जी, हमारा यकीन करो, हमारा सोचा हुआ रास्ता बिल्कुल सही है, और ये बात मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बोल रही हूँ। आपका बच्चा जन्म लेवेगा, लेकिन हमारी कोख से। ये तो के कह रही है रसल, के मतलब है थारा? जी जी, यही एक तरीका है जिससे आप अपने बच्चे को बचा लेंगी और बापू ने भी। कौन सा तरीका है? जी जी, पहले आप हमारे साथ बापू के पास चलो। मैं बापू ने बोलूंगी कि मैं आपको हवेली वापस लेकर जा रही हूँ हमेशा वास्ते, और फिर वहां जाकर मैं सबने कहूंगी कि मैं भी वहां पढ़ने वाली हूँ। आपका बच्चा होने तक मैं सबने यकीन दिलाती रहूंगी कि आपका और हमारा बच्चा लगभग एक ही साथ होने वाले हैं, और वो बच्चा होते ही मैं उसे अपना बता दूंगी। हमारे को बस यही साबित करना होगा कि आपका बच्चा किसी कारण बच ना सका, फिर आपका बच्चा हमारा हो जाएगा। और जी जी, ये बात हम दोनों के अलावा और कोई ना जान पाएगा। जी जी, आप इतना मत सोचो, बस यही एक तरीका है जिससे आप पर लगे सारे इल्जाम धुल जावेंगे। पावली हो गई है कि तू हर एक को इल्जाम से बचाने वास्ते इतना बड़ा धोखा देना चाहे है सबको? जी जी, इस प्रस्ताव ने ना ठुकरा। जब आप अपना गुस्सा उतारना चाहो, हर एक और मारना चाहो तो मार लो। मैं जो कह रही हूं उससे मैं हम सबकी भलाई है। मार जाओ जी जी। ना रसल, ये कभी ना हो सके। मैं थारी इस बात को कभी ना मानूं, इस बात को कभी ना मानूं। ये रुक्मी घर में दिखाई ना दे रही है, पता नहीं कठे चली गई। अरे कहीं घर से भाग तो ना गई वो रुक्मी? ना ना, अरे गई होगी कुएं पे। वो भला क्यों भागने लगी? जा देख उसने गांव में। हेलो जी, रोक दो ससुर सा। वो रसाल मुझे फोन करने वाली थी, वहां पहुंचकर अभी तक पहुंची नहीं क्या? जमाई साहब, वो रसाल बाहर है। रसाल के आते ही मैं आपको फोन करवाता हूँ। जी जी, धन्यवाद। आपने जवाई साहब से ये क्यों बोला कि आप रसाल से बात करवाएंगे? रसाल अठे कब आई? हाँ, अब मारे को पता लगा कि रुक्मी घर पे क्यों ना है। जिसु, जा दोनों को लिया। वो अपनी पुरानी जगह बैठकर आपस में दुख सुख बांट रही होगी। अभी लेकर आऊं बापू।
मना करने पर भी रसाल चली आई। गांव में किसी ने उसको देखकर सवाल कर लिया तो जवाब देना हमारे वास्ते बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तूने आज ये कहकर भारी को घणो दुख पहुंचायो है रसाल। हमसे छोटी होना अपनी बड़ी बहन को धर्म संकट से निकालने वास्ते बोलनी पड़ी इतनी बड़ी बात। जी, बचपन से लेकर आज तक आप सारे दुख अकेली झेलती रही। आपकी इस छोटी बहन ने एक मौका ना देना चाहो जिससे मैं आपको इस दुविधा से बाहर निकाल सकूं। केला गया आपने, जब से आप पर ये मुसीबत आ पड़ी है मैं चैन से सो पाई हूँ। कोई फिक्र ना है मारे को आपकी, क्यों इस जीवन में मारे पर इतने कर चढ़ाना चाहो जिसे मैं चरमों तक ना चुका सकूं। छाड़ो चीची, कई रातों से मैं सो ना पाई हूँ। हर समय आपका चेहरा मारे सामने आता रहा, जे आंख लग भी जाती तो सपने में मैं आपको तड़पता देखती। आप देखो मारी आंखों में केला गया आपको। मैं झूठ बोल रही हूं आपसे कि मैं आपको और दुविधा में डालने वास्ते ये प्रस्ताव लेकर आई हूं। मैं जानू रसाल, जी तुम्हारे पास ऐसा प्रस्ताव लेकर आई है तो हालात कितने बिगड़ चुके हैं। जी जी, हालात सुधर जावेंगे, बस आप अपनी बहन पर भरोसा रखो। बात मान लो मारी जी जी। जी जी, आज आपने मारी बात मान ली तो आपके उड़े वाले बच्चे को सहारा मिल जाएगा और बापू भी अपनी इज्जत छोड़ देवेंगे। वरना आप भी जानो बापू ने अपनी बात मनवाने वास्ते वो किस हद तक जा सके। जी जी, अभी तो ठाकुर साहब ने आकर गांव वालों को चुप करा दिया है, लेकिन कल जब सबको सच्चाई पता चल जाएगी तब क्या होगा? सोचा है आपने? के धोखा देने के बाद भी आप इस बच्चे ने जन्म देना चाहो, आपकी भावना को ठेस ना पहुंचाना चाहो मुझे जी, तो बस आपको खुश देखना चाहो। अपने पापू ने, माँ ने, भाई ने खुश देखना चाहो मैं। मारी बहन, थारे को सच्चाई ना बता पाने के डर से ही तो मारे को कैसी कैसी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा है। बोलो जी जी, चुप क्यों हैं आप? बोलो जी जी, हमारे प्रस्ताव से दोनों बातें हल हो सके और आपके जिद में आपको किसी एक का बलिदान देना ही होगा। किसका बलिदान देना चाहो आप? अपने बापू का कि अपने बच्चे का? जी जी चलो, बापू आप दोनों को बुला रहे हैं। हे माता जी महाराज, मारे से किस जन्म का बदला लेने की कोशिश कर रही है दोनों? अरे उसने तो कसम खा रखी है कि हमारे साथ साथ वो रसाल को भी चैन से जीने ना देवेगी। अरे उस रुक्मी ने अपना दुखड़ा रोया होगा और मारी रसाल भागती हुई आ गई उस रुक्मी के वास्ते। अरे उस रुक्मी ने तो जान पूछ के ये सब कुछ किया होगा ताकि ना हमें चैन मिले और ना ही मारी छोरी रसाल को। माँ, ये
के पीछे पड़ी रहती है। हर बात के लिए आप सिर्फ जीजी को ही दोष देवेंगी। इन सारी बातों में जीजी के अलावा किसी और का कोई दोष ना है। मैं जानू कि हमारी जीजी के चेहरे पर दाग है, लेकिन इस दाग की वजह से मैं आज जिंदा हूं माँ। मगर इस दाग को कलंक बनाने में आपका योगदान है, ये भी मैं बहुत अच्छे से जानू। तारे को मना किया था ना हवेली से हटाने के लिए, फिर क्यों चली आई तू? पापू, हरि को माफ करना। अपने यही चिंता सता रही है ना कि जब गांव वालों ने पता चल जाएगा कि चीची की कोख में हवेली को वारिस ना है, तब क्या होगा? लेकिन आपने ये सोचा है पापू, जब उन्हें ये पता चलेगा कि ठाकुर साहब की पिंडणी चीची ना मैं हूं, तब क्या होगा? क्या जवाब देवेंगे आप? सोचा है आपने? माँ जी आप चाहती ना तो पापू की ऐसी हालत में इन्हें प्रतिज्ञा करने से रोक सकती थी। अगर आप ऐसा क्यों करने लगी? आपको तुम्हारी चीजी ही मनुष्य नजर आवे। अरे थारे को रुक्मी जीजी की चिंता करने की जरूरत ना है, और थारे इस तरह से मैं अपनी प्रतिज्ञा त्यागने वाला ना हूं। ले तारा बिंद का दोबारा फोन आया है, बात कर। हेलो। अरे तुम कहाँ हो? फोन नहीं किया तुमने मुझे वहां पहुंचकर? सब ठीक तो है ना? अब मारे को माफ करना ठाकुर साहब, वो हमारे ध्यान से ही निकल गयो। अच्छा, मतलब ऐसा प्यार है तुम्हारा, मायके जाकर मुझे पूरी तरह भूल गई, एक फोन करना भी याद नहीं रहा। ना ठाकुर साहब, ऐसा ना है, आप भी जानो कि ठीक की हाल है। हे, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वहां सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ ठाकुर साहब, सब सब ठीक है। देखो रसाल, कल रात ताईसा ने हवेली में जो भी कुछ कहा, मैं जानता हूं उसके बाद तुम काफी परेशान हो गई थी, इसलिए जब तुमने मुझसे कहा कि तुम गांव अपने मायके जाना चाहती हो तो मैं मान गया, ये सोचकर कि तुम अपने माँ बापू से मिलोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन अगर वहां कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से तुम इतनी परेशान हो तो मुझे बताओ रसाल, मैं अपनी मीटिंग कैंसिल करके अभी तुम्हें वहां लेने आ रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम उस टेंशन भरे माहौल में एक पल के लिए भी रहो। ना, मैंने तो फैसला कर लिया है कि अट्ठे की समस्या में ठाकुर साहब शामिल ना करूंगी। रसाल? हाँ ठाकुर साहब। मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। ठाकुर साहब, आपको अपनी मीटिंग छोड़कर अट्ठे आने की कोई जरूरत ना है, सब सब ठीक है यहाँ। आप अपनी मीटिंग पूरी करो, ड्राइवर तो है ही ना, मैं शाम को अपने आप आ जाऊंगी। ठीक है? ठीक है रसा। अब तो मैं फोन रखूं। बाय बाय। हे काना, हमारी वजह से हमारे बापू, हमारी बहन के जीवन में विपदा आ पड़ी है, पर मैं ये कभी ना चाहूं कि अपने सुख की खातिर तारी बहन का जीवन बर्बाद हो जावे, कि मैं कभी ना चाहूं, ऐसा कभी ना होने दूंगी। जे तू अपनी बहन की बात ना मानेगी तो क्या करेगी? ना तो तू अपने बच्चे को बचा पाएगी, ना ही अपने बापू को। ये क्या बोल रही है? मैं बोल नहीं रही,
रही हूँ थारे से। बोल के करेगी तू अपने ठाकुर सा के वंश के साथ, जिसकी निशानी को तू इतना संभाल कर रखना चाहिए। उन्हें तो पता भी ना है कि वो ही इस बच्चे के पिता है। और अगर तू अपनी बहन रसाल की बात ना माने तो कैसे एक बच्चे को उसके पिता से मिलवाएगी तू? बोल, या फिर आशु का नाम लेकर उस आदमी को सजा देना चाह रही है जिससे तूने कभी प्यार किया था? बोल रुक्मी, बोल, कौन है तू? मैं तू ही हूं रुक्मी। के ना किया मैंने थारी कहने पर, थारी को निर्दोष मानने वाली दादी सा के कमरे से चोरी की, थारे बचपन के दोस्त आशु को बदनाम करने में थारा साथ दिया मैंने। जे थारे मन में ठाकुर सा के प्रति कोई चाहत ना थी तो क्यों आने दिया खुद को उनकी आगोश में? बोल, थारी बहन रसाल ने जो थारे को प्रस्ताव दिए हो वही थारे और थारे बच्चे के लिए सही है, क्योंकि वो बच्चा अपने पिता के पास जा रहा है और वो भी थारी बहन रसाल की सहमति से। और ये जानते हुए भी तू ठाकुर साहब के बच्चे को उसका हक ना देना चाहे? कहीं तू रसाल की खुशियों से जलती तो ना है? या फिर बच्चे के बहाने तू खुद ठाकुर साहब के करीब जाना चाहे? ये सच ना है? ऐसा होता तो, अगर ऐसा होता तो के करती तू? हाँ, या के करेगी? ना तो तू सच्चाई बताकर रसाल का जीवन बर्बाद कर सके और ना ही ठाकुर साहब को ये यकीन दिला सके कि वो ही इस बच्चे के पिता है। तो क्या करेगी तू? बोल रुक्मी, बोल क्या करेगी तू? नहीं जानती मैं, तो जा हटे से, मारे को अकेला छोड़ दे, तो जा हटे से। बोल रुक्मी, बोल रुक्मी, जवाब दे, बोल क्या करेगी तू? जा हटे से। बोल रुक्मी, जा, 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 जा। फैसलों की हुआ है आपने? मैं थारे साथ हवेली जाने वास्ते तैयार हूं। जी, मैं थारी हर बात मानने को तैयार हूं रसा, जो भी तू कहेगी। पर उसके वास्ते थारे को मारी एक बात माननी होगी। बोलो जीजी, क्या चाहो आप? जे तू हवेली वालों के सामने मारे बच्चे को अपना नाम देना चाहे तो इसमें थारे को ठाकुर साहब को शामिल करना होगा। बोल रसाल कि तू इस बच्चे को अपनाने वास्ते ठाकुर साहब को शामिल कर पावेगी? जी।